हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू और स्पाइसी वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मोटी मिर्च का बिल्कुल टेस्टी अचार, और जिसे देखकर आपके मुंह में अभी तक पानी आ गया होगा। तो ये अचार हम कैसे बनाएं और इस अचार को बनाने में हम क्या टिप्स फॉलो करें जिससे कि जो हमारा अचार है वो लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश बना रहे, बिल्कुल भी खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए अचार बनाने के लिए मोटी हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टिप यहाँ पे एक देने वाली हूँ कि जब भी आप मिर्च के लिए अचार के लिए मिर्च खरीदें तो आप मिर्च हमेशा डार्क कलर की खरीदें, कच्चे, मतलब आप पैरेट कलर या जिसे लाइट ग्रीन कहते हैं उस तरह की आप मिर्च ना खरीदें अगर आपको अचार लंबे समय तक रखना है तो, क्योंकि अचार जो मिर्च होती है वो पक जाती है और उससे जो आपका अचार है वो लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी जो मिर्च है हमने उसे अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, और उसके बाद हम इसके अंदर एक कट लगाएंगे जिससे कि जो हमारा जो मसाला है, जो फिलिंग है, हम इसके अंदर भर पाएँ। तो एक तरफ से आप इसको इस तरह से कट लगा दें, ये देखिए। तो इसी तरह से जितनी भी हमारी मिर्च है उसके अंदर हम एक कट लगा देंगे। और फ्रेंड्स, कट लगाने से पहले जो इसका डंठल है आप उसे निकाल दें, क्योंकि डंठल की वजह से भी जो अचार है वो ख़राब होने की संभावना होती है वहाँ पर। तो अगर आप डंठल को हटा के अचार डालेंगे तो आपका अचार काफ़ी समय तक बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा और ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये देखिए, मिर्च में हमारे कट लग चुका है। और फ्रेंड्स, कट लगाने के बाद अगर आप इसे एक दिन की धूप लगा लेंगे तो आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा और जितना इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। तो आप इसे एक दिन की धूप इसे लगा लें जरूर। तो चलिए, अब हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है सौंफ। तो आप एक कोई भी स्पून ले लें और उसी से आप सारा मेजरमेंट रखें। तो ये जो मेजरमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो एक मैंने यहाँ पे ये स्पून ले लिया है और उसी स्पून से हम सभी चीजें यहाँ पर नाप के डालने वाले हैं। तो मैंने 4 चम्मच लिया है सौंफ और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है राई और सरसों को मिक्स करके। मींस मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ली है राई, राई जो ये हमारी बारीक वाली होती है, और 2 चम्मच लिया है मैंने सरसों। तो सरसों ये मोटे दाने की, ये जो मोटे दाने की काली काले दाने जो थे वो सरसों होते हैं। तो आप चाहे तो इसकी जगह पीली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके बाद कलौंजी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है कलौंजी और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मेथी दाना, और 2 चम्मच ही ऐड करेंगे हम इसके अंदर अजवाइन, और 4 चम्मच ऐड किया है मैंने इसके अंदर साबुत धनिया। और अब इन सभी मसालों को हम लो फ्लेम में बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और भूनेंगे हम इसलिए फ्रेंड क्योंकि इसके अंदर जो भी जो मॉइस्चर होगा वो उड़ जाएगा और जो हमारा अचार का जो मसाला है उसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो इसे ज़्यादा हमें कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इसे हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो लगभग आप 2 मिनट कर लें बस, बहुत है, इतना ही हमें रोस्ट करना है और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मसाले हैं, जो जितने भी साउथ मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी पैन में हम अब जो सरसों का तेल है, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, उसे हम गरम कर लेंगे, क्योंकि अचार में हम जो हमारा तेल है अगर हम उसे गरम करके डालेंगे तो हमारा अचार बहुत बढ़िया बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम तेल मैंने यहाँ पे लिया है और इसे हम जब तक इसके अंदर से धुआं ना निकलने लग जाए, जब तक हमारा तेल अच्छे से गरम ना हो जाए, हम इसे गरम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा करने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। और फिर उसके अंदर मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिए हींग। फ्रेंड, जो हींग है इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हमने तुरंत इस
तेल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर हम तुरंत गर्म तेल में इसको डाल देंगे तो जो हमारी हींग है वो जल जाती है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट तक तेल को ठंडा होने के बाद ही हींग डालेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे मसाले, और तेल को हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, और जो हमारे मसाले हैं ये देखिए अब हम इनको ग्राइंडर में डाल के इनको दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए जो हमारे मसाले हैं ये दरदरे पीस चुके हैं, और फ्रेंड्स अब इसके अंदर जो हमारे और मसाले हैं उन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ली है ये कसूरी लाल मिर्च, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है, ये स्पाइसी नहीं है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और फ्रेंड्स अब हमने ऐड किया है इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, और फ्रेंड्स इनको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर नमक, तो हम इसके अंदर 4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स ये सभी चीज़ों को, ये हमारे सारे मसाले हैं इनको हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, कोई भी इसके अंदर गुठली ना रहे किसी भी मसाले की। तो अच्छे से हम बिल्कुल इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब अपने फिंगर से मैंने अच्छे से अपने हाथ से इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स चूंकि मैंने यहाँ पे जो नमक है वो मैंने सेंधा नमक यहाँ पे यूज़ किया है, जो बर्थ वाला नमक होता है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी गुठलियाँ दिख रही हैं आपको। अदरवाइज़ अगर आप टाटा या किसी और कंपनी का नमक यूज़ करेंगे तो ये गुठलियाँ नहीं रहेंगी उसके अंदर। सेंधा नमक से जो अचार होता है बहुत बढ़िया बनता है और ये ख़राब नहीं होता है। तो आप भी कोशिश करें अगर आपके पास सेंधा नमक है, बर्थ वाला नमक जो घर पे है, तो आप वो डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा सरसों का तेल, जो आपके ठंडा हो चुका है, और ये तेल हमने इसलिए डाला है जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो आसानी से हमारी मिर्च के अंदर भर जाएं, उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए मसाले की, अदरवाइज़ ये फैलेंगे ड्राई होने की वजह से। तो हमें इतना ही ऑयल यूज़ करना है कि जिससे हमारा मसाला है वो बाइंड हो जाए। तो देखिए जो हमारे मिर्च की जो फिलिंग है ये बन के रेडी है। तो अब हम जो हमारी मिर्च है ये देखिए इस तरह से जहाँ से हमने इसके अंदर कट लगाया था उसको वहाँ से इसका हम खोल के, और देखिए थंब की हेल्प से इस तरह से हम दबा दबा के जो हमारा मसाला है ये देखिए इसको अच्छे से हम फिल कर देंगे। तो ये देखिए हमारी 1 मिर्च है वो भर के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे लिया है चीनी मिट्टी का जार, जिसमें कि हम जो हमारा अचार है मिर्च का हम इसे रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से जितनी भी हमारी मिर्च है हम उनमें ये मसाले को अच्छे से थंब की हेल्प से, अपने अंगूठे की हेल्प से ये देखिए इस तरह से मिर्च भर लेंगे, और जिसमें आप अचार रखना चाहते हो आप उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको फिलहाल एक थाली में भी रख सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसे 2 से 3 दिन धूप दिखानी है थोड़ी। तो ये देखिए हमारी सारी मिर्च भर के रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने इन सभी मिर्चों को जार के अंदर अच्छे से सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं बचा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट मैंने आपको दिया है। ये मैंने 1/2 kg यहाँ पे हरी मिर्च ली थी और इतना ही मसाला हमें चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, न कम न ज़्यादा मसाला हमने लिया था, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट रहा हमारा। तो अब ये देखिए ये जो हमारी हरी मिर्च है और ये जो बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का सा मसाला बचा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया, और फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा बांध लेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लगा दिया, ऊपर से एक रबड़ बैंड की हेल्प से मैंने इसको फिट कर दिया है, इसको टाई कर दिया है, और अब हम इसको
लगभग 3 से 4 दिन इसको धूप में रख देंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं 3 दिन के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स 3 दिन हो चुके हैं, तो चलिए हम अपना अचार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिर्च थी पहले ऊपर तक आ रही थी और अभी थोड़ी शिंक हो चुकी हैं, ये देखिए। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये पक चुकी है। बस थोड़ा सा इसमें मतलब 80-90% ये पक चुकी है, सिर्फ ये थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। तो अभी हम इसको जो हमारा ऑयल जो हमने बचा के गर्म करके जो रखा हुआ था हींग वाला, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके मिर्च ने अगर पानी छोड़ दिया है तो आप पहले उस पानी को हटा दें, मिर्च सारी निकाल लें पानी में से, उसके बाद आप इसको जार में रख के और तब इसके ऊपर ऑयल डालें और वापस आप इसे फिर 1 से 2 दिन के लिए धूप में रख दें, तो आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मेरा पेज है कुक डिलीशियस के नाम से। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।